साइक्लोनिक स्टॉर्म जो आज अभी पिछले जो 6 घंटा में इसका मूवमेंट नॉर्थ वार्ड हुआ है और इसका लोकेशन अभी हमारा है 320 किलोमीटर साउथ ऑफ गोपालपुर, 390 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ पुरी एंड 470 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप। इसका अभी वीकेंड ट्रेंड है, इसका मूवमेंट अभी नॉर्थ वार्ड रहेगा कुछ देर तक, अगला 12 घंटा तक वीक भी होगा और फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूवमेंट होकर के हमारा उड़ीसा कोस्ट में पुरी का पास में आएगा कल। तो कल जब आएगा इसका स्ट्रेंथ डीप डिप्रेशन होने का चांसेस है, फिर धीरे ग्रेजुअली फिर और भी वीक होगा और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूव करके उड़ीसा कोस्ट थ्रू वेस्ट बंगाल का तरह जाएगा। ये है हमारा सिस्टम का रिगार्डिंग अपडेट। अभी वार्निंग अपडेट जो है, वार्निंग विंड सिस्टम वीकेंडिंग ट्रेंड है तो विंड अभी ऑनली स्क्वाली वेदर रहने का चांसेस है। अलोंग द कोस्ट लाइन 55 to 65 गास्टिंग में 75 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। तो आज इसलिए आज और कल फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए बिल्कुल मना है क्योंकि सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ रहेगा। स्टॉर्म सर्ज का कोई वार्निंग नहीं है और रेनफॉल का वार्निंग जो है, रेनफॉल में आज हमारा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह के होने का चांसेस है और एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में भी जैसा केवंझर, मयूरभंज, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल एक दो जगह में हो सकता है। और फिर कल भी हमारा मेनली नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, केवंझर डिस्ट्रिक्ट, ढेंकनाल, ओंगोल ये सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसमें से हमारा मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर में एक दो जगह में वेरी हैवी भी हो सकता है। फिर हमारा 6 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगा, उसमें कोई हैवी रेनफॉल का वार्निंग कोई वार्निंग नहीं है। 6 तारीख में हमारा और कोई वार्निंग नहीं है, इसका इम्पैक्ट और नहीं रहेगा। और यही है, अभी हमारा बोट वार्निंग जारी है, लोकल वार्निंग हमारा सिग्नल नंबर 4 पर, धीरे धीरे अभी स्क्वाल वेदर होगा तो फिर बाद में कम भी होगा, वही सब सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और इम्पैक्ट तो हमने बोला है ऑलरेडी, जो इम्पैक्ट हमारा है फिशरमैन का फिशिंग एक्टिविटी तो फुल आज और कल बंद रहेगा और एग्रीकल्चर का जो हार्वेस्ट किया है उसमें हार्वेस्टेड क्रॉप को सेफ प्लेस में रखना है क्योंकि रेन तो कंटिन्यू होगा अभी आज और कल, फिर उसके बाद फिर उनको ये करना है ड्राई करने के लिए स्वस्थ बनने करना है। कुछ कुछ एरिया में, जो एरिया में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होगा उसमें लोकली वाटर लॉगिंग इनंडेशन प्रॉब्लम हो सकता है। जो अंडरपास रोड एरिया है सिटी एरिया में उसमें वाटर लॉगिंग होने का चांसेस है तो ट्रैफिक डिले हो सकता है, तो ट्रैफिक एडवाइजरी मान करके चलना है। जो वाटर प्रोन मानी से लो लाइंग एरिया है उसमें से उसमें मूवमेंट अवॉइड करना ही ठीक है। और सेफ जो वल्नरेबल, बहुत ही वल्नरेबल स्ट्रक्चर होता है अलोंग द कोस्ट लाइन, अलोंग द कोस्ट लाइन स्क्वाली वेदर रहेगा तो उसमें सम डैमेज हो सकता है, तो उसमें से अवॉइड करना है।